क्या आपको पता है कि डायबिटीज यानी शुगर का प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ सकता है और आपके आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं। इस बारे में हमने बातचीत की नेत्र रोग विशेषज्ञ और ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्याम धूरिया से। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है उद्यान एक्सप्रेस पर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आमतौर पे आप आंखों के बारे में, आप आंखों के विशेषज्ञ हैं, तो शुगर की बीमारी भी लगातार बढ़ती जा रही है और सुना जाता है कि शुगर का जो प्रभाव है वो आंखों पर पड़ता है, क्या ये बात सही है और कितना पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें कि शुगर के कारण जब शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तो फर्स्ट के 2-3 साल तक कुछ नहीं होता है। जब शुगर कंट्रोल अनकंट्रोल रहे और मोर देन 5 ईयर्स अपने को हो गए, उसके बाद क्या है, आंख में जो रेटना होता है, आंख का पर्दा बोलते हैं, उसके अंदर स्मॉल वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, नसों में अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण नसें वीक हो जाती हैं, ब्लड वेसल जो बोलते हैं उनकी जो वॉल होती है वीक हो जाती है, उसके अंदर वहाँ से ब्लड लीकेज स्टार्ट हो जाती है। लीकेज स्टार्ट होने से और जो एक्स्ट्रा जो बॉडी में चर्बी होती है, जो फैट बोलते हैं, वो भी वहाँ पे आंख के पर्दे पर डिपॉजिट होनी चालू हो जाती है। उससे क्या होगा, जो अपना आंख का सेंटर पोर्शन देखने का काम रेटना करता है, उसके वो डिपॉजिट होने के कारण में धीरे धीरे उसको दिखना कम हो जाता है। तो इससे एंड स्टेज में जब धीरे धीरे बढ़ता कुछ टाइम में 2-4 सालों में कंट्रोल नहीं करें और या आई टेस्ट नहीं कराए, रेटना चेक नहीं कराते हम लोग, तो ये इतनी गंदी बीमारी है कि इससे आँख ब्लाइंड हो जाती है। तो अपने अबोर्ड शेयर में भी काफ़ी किस्से देखे गए जो कि अनकंट्रोल डायबिटीज कारण जो कभी चेक नहीं कराया गया, एंड में उनकी आँख बिल्कुल 0 हो गई या PL नेगेटिव हो गया, उनको आँख से लाइट भी नहीं दिखती है। उसका इलाज कोई नहीं है, उसके बाद कोई इलाज नहीं है। तो इसको ये इसको हम कह सकते हैं कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। प्रिवेंटेबल मतलब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको फ्रिक्वेंटली या इंटरमिटेंट गैप पे जब जैसे डॉक्टर बुलाएगा आपको 6 मंथली या 1 ईयरली आपने फंडस टेस्ट बोलते हैं उसको, रेटना टेस्ट को, फंडस एग्जामिनेशन हर डायबिटिक पेशेंट को जिनका मोर देन 5 ईयर्स हो चुका है, आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, आपके रिश्तेदार में है, उनको ये बताओ कि शुगर के लिए आँख के पर्दे का टेस्ट बहुत जरूरी है, जिसके हम डिटेक्ट कर सकें कि शुगर के कारण डायबिटीज के कारण रेटनोपैथी नहीं, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटनोपैथी। इसका इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कुछ केसों में लेजर करनी पड़ती है, कुछ केसों में आंख में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो उसमें 100% रिजल्ट है उसके अंदर। तो यदि एक बार पीछे का जो रेटना में स्वेलिंग आ गई या एडिमा बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एडिमा आ गया, तो उसके बाद में शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं पड़ता। हाँ, कुछ केसों में लास्ट में सर्जरी भी करनी पड़ती है, वो सर्जरी भी थोड़ी बड़ी भी होती है और इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरी बींग ए आई सर्जन और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते मेरा ये आप लोगों को एडवाइस है कि जो भी आपके घरों में शुगर पेशेंट हैं, आस पड़ोस में हैं, रिश्तेदारों में हैं, उनको हर हालत में डायबिटीज़ के लिए, रेटना टेस्ट के लिए हर 6 मंथली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो जिससे हम आपकी आँख को ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। दूसरी बात, शुगर का लेवल जो है कम से कम महीने में 4 बार चेक कराएं आप। एक डे फिक्स कर लें भी, हर मंडे को मेरे को शुगर टेस्ट करवाने का नहीं है। यदि शुगर का लेवल आपका बिलो 120 रहता है फास्टिंग और डायबिटिक रेटनोपैथी के लिए आप टेस्ट कराते रहते हैं, फंडस टेस्ट कराते रहते हैं, तो आपको गारंटी है कि 20-25-30 साल तक भी शुगर खराब नहीं कर सकते आपको। तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, शुगर का टेस्ट कराओ, फंडस टेस्ट कराओ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।